दोस्तों, आपने कई बार नकली नोटों के बारे में तो जरूर सुना होगा या इन्हें देखा होगा। इन नकली नोटों का इलीगली मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। नोटबंदी के बाद आए नए नोटों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा और इन्हें पुलिस के नाक के नीचे से इन नकली नोटों का व्यापार शुरू कर दिया। आज हम आपको बताएंगे कि नकली नोटों को आखिर कैसे बनाते हैं और कौन लोग इन नकली नोटों का व्यापार करते हैं। इसके लिए पहले हमें भारत की राजधानी दिल्ली में जाना होगा, जहां दो ग्राफिक डिजाइनर्स ने अपनी अमीर होने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नकली नोटों का व्यापार शुरू कर दिया, जो अभी हिरासत में है। दरअसल 2016 में जब मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी की गई, तब इन दोनों ने अपने इस कांड को अंजाम देने के लिए इन्होंने 500 और 2000 के नकली नोटों का कारोबार शुरू किया, क्योंकि ये बात इनको पता थी कि सरकार द्वारा नई नोट आने की वजह से लोग इनमें नकली नोट और असली नोट का फर्क पता नहीं कर पाएंगे। और इसी के चलते इन दोनों ने महज 1.5 महीने के अंदर 7 लाख नकली नोट बनाकर मार्केट में सर्कुलेट कर दिए। इन लड़कों को नकली नोटों को मार्केट में कैसे सर्कुलेट करना है वो इन्हें पता था, जिसके चलते लोगों को पैसे उधार में देते थे और साथ ही छोटी छोटी दुकानों पर इन नकली नोटों का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी चोरी पकड़ी न जाए। लेकिन फिर भी यह आखिर में पुलिस के हाथ लगी गई। बाद में पकड़े जाने के बाद इन्होंने इस कांड का खुलासा किया। ये लोग तो फिर भी ग्राफिक डिजाइनर थे, लेकिन ऐसे काम करने वाले कुछ लोग अंगूठा छाप भी हो सकते हैं। इनमें ग्वालियर का रहने वाला ब्रजेश मौर्य और उसका भाई शामिल है, जो कि अमीर होना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने जाली नोटों का धंधा करने का सोचा। शुरुआत में इन्हें पता नहीं था कि नकली नोट कैसे छापते हैं। ब्रजेश ने यूट्यूब पर सीखा कि आखिर जाली नोट कैसे बनते हैं, जहां ये लोग यूट्यूब पर कुछ भी सीख सकते थे, लेकिन इन लोगों को तो नोट कैसे प्रिंट किए जाते हैं वो सीखना था। सही नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने इस काम को अंजाम दिया, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि नकली नोटों का कारोबार करने से आज तक कोई भी पुलिस से छुप नहीं पाया है। इन दोनों ने सिर्फ 5 महीने में 8 लाख नकली नोट छाप दिए। अपने इस धंधे में ज्यादा प्रॉफिट मिलने की वजह से ब्रजेश ने एक किराए का मकान ले लिया, जहां पर लोग नकली नोट बनाने का काम करते थे और दिन में नोटों को मार्केट में सप्लाई करते थे। मुनाफे की बात करें तो उन्हें 1 लाख के नकली नोट के बदले 40,000 रुपए मिलते थे। अब आप सोच रहे हो कि ये लोग इन नोटों को बनाते कैसे थे, तो बता दें ये लोग नकली नोट बनाने के लिए किसी आम कागज का नहीं, बल्कि इस तरह के खास पेपर का इस्तेमाल करते थे, जो RBI द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेपर जैसा लगता था। इसकी शुरुआत होती थी स्कैनिंग से, जो कंप्यूटर में असली नोट को स्कैन करके उससे उस पेपर पर प्रिंट करते थे। वहीं दूसरी ओर सफेद पतले पेपर पर नकली वाटरमार्क भी लगाया जाता था। ये होने के बाद इन नोटों पर RBI के जैसे हरे रंग की सिल्वर पट्टी भी लगाते थे। ये वही पट्टी है जो असली नोट पर हमें दिखाई देती है, लेकिन ये असली पट्टी जैसी नहीं होती और कुछ लोग इस पट्टी को देखकर नोट असली या नकली तय करते हैं। इसके बाद ये लोग अपने नकली नोट को असली दिखाने के लिए उस पर स्क्रीन प्रिंटिंग भी करते थे, ताकि जब भी कोई इन नोटों को हाथ में ले तो उसे असली नोट जैसा टेक्सचर महसूस हो और उसे लगे कि नोट बिल्कुल असली है। वैसे क्या आप जानते हैं कि नकली नोटों को बनाने के लिए कितने रुपया खर्च आता है? ये जानने के लिए हमें यूपी में हुए इस तीसरे कांड को जानना होगा, जहां इन तीनों लोगों की गैंग को पुलिस ने धर दबोचा, जिनके पास से 30,000 नकली नोट, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और कुछ मोबाइल भी बरामद किए गए, जिन्होंने बाद में पुलिस के सामने अपने इस नकली नोटों के धंधे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। और इसके चलते उन्होंने ये बताया कि 10,000 के जाली नोट बनाने के लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ 450 रुपए का खर्च आता है, यानी एक नोट को बनाने के लिए सिर्फ 8 रुपए खर्च होते हैं। परंतु इस काम को इतने लोग मिलकर करते हैं कि ये कभी न कभी पकड़े ही जाते हैं। बात करें नकली नोटों की सप्लाई करने की, तो ये लोग सेल्समैन की मदद से सभी ठेकों पर 10,000 की नकली गड्डी पहुंचाते थे, जिसके बदले में इन्हें और ठेकेदारों को 5,000 का मुनाफा होता था, जिसके बाद ठेकेदार उन नकली नोटों को कस्टमर को चिपका दिया करते थे। लेकिन ये नकली नोट ज्यादा से ज्यादा किसी छोटी मोटी दुकान में ही चलेंगे, न कि किसी बैंक में, क्योंकि बैंक में नोटों को कंप्यूटराइज तरीके से चेक किया जाता है, जिसमें चुटकी में नकली नोट का पता लग जाता है। और इसी वजह से RBI ने 2020 में 5,40,00,000 के जाली नोट पकड़े हैं। यही नहीं, 2021 में 100 रुपए के नकली नोट भी पकड़े गए, जिनकी वैल्यू करोड़ों के आसपास थी। वहीं इसी साल में 500 के 40,000 नकली नोट बरामद किए गए, जिनकी वैल्यू लगभग 20 लाख के आसपास है। वैसे देखा जाए तो अभी भी मार्केट में कई लोगों द्वारा जाली नोटों का सर्कुलेशन हो रहा होगा, जिससे हमारे पास अभी भी नकली नोट आ सकते हैं। इससे बचने का तरीका हम आपको बताते हैं। हम जब भी किसी बड़ी अमाउंट की नोट खोलें तो उसे लाइट की तरफ ले जाकर चेक करते हैं, जिसमें हमें नोट के भीतर गांधी जी का वाटरमार्क नजर आता है, जो कि नकली नोट को पकड़ने का एकदम सही तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका है, जिसमें नोटों को थोड़ा फोल्ड करने पर
सिक्योरिटी थ्रेड का कलर ग्रीन से ब्लू हो जाता है और ऐसा नकली नोट में होना अभी नामुमकिन है। इसी के साथ असली नोट पर देवनागरी में लिखा वैल्यू ऑफ मनी और अशोक स्तंभ भी होता है, जो कि नॉर्मली नहीं बल्कि रफली प्रिंटेड होता है, जिसे छूकर ही असली और नकली का पता लग जाता है। हम आप समझ गए होंगे कि नकली नोटों से कैसे बचना है, लेकिन अभी आप ये जानने के लिए भी उत्सुक होंगे कि आखिर असली नोटों को सरकार कैसे बनाती है। इसे जानने के लिए हमें गवर्नमेंट के प्रिंटिंग प्रेस पर एक नजर डालनी होगी, जहां नोट बनाने के लिए कॉटन से बने कागज और खास स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही मिलती है। इन पेपर शीट को एक खास तरह की मशीन साइमन्टन में डाला जाता है, जिसके बाद इस दूसरी मशीन जिसका नाम इंटाग्लियो है, इसमें नोट बनाने वाले कलर को ऐड करते हैं। इसमें नोट छपते हैं, एक शीट्स में 32 से 38 नोट छपे हुए होते हैं, जिसके बाद इन नोटों पर खास स्याही से उनकी वैल्यू प्रिंट करते हैं और साथ ही इस पर बारीकी से डिटेल प्रिंटिंग करते हैं। अगर नोटों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो उससे हमें इसके अंदर शार्पनेस देखने को मिलती है। यह होते ही नोटों के अंदर इस तरह के चमकीले रेशे डाले जाते हैं, जिन्हें अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखा जा सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद नोटों पर उनके नंबर भी डाले जाते हैं, जिनके बाद में एक एक करके बारीकी से चेक करते हैं, ताकि अगर कोई नोट खराब निकले तो उसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सके और उनकी जगह नए नोट बनाए जा सके। ये सब होने के बाद हमारी करेंसी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है, जिसे इंडिया के सभी बैंकों में RBI द्वारा सप्लाई किया जाता है। आपको बता दें कि RBI को 10 और 50 के नोट को बनाने के लिए 1 रुपए 1 पैसे खर्च आता है, 100 रुपए के नोट को 1 रुपए 51 पैसे में और वहीं 500 के नोट को बनाने के लिए 2 रुपए 57 पैसे का खर्च आता है और 2000 के नोट के लिए 4.25 रुपए का खर्च आता है। तो दोस्तों, आप भी यह इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर करें, ताकि कोई नकली नोट का शिकार न हो। धन्यवाद।